प्रशासन और मंत्री असमंजस में हैं। मंत्रियों को भी पता नहीं कि हमें कब तक रहना है। कमलनाथ की चिट्ठी से ये साबित हो गया है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। सभी गुटों में दो दो मंत्री कम होना है। प्रदेश में इनकी सरकार में एक भी गौशाला नहीं बन पाई। कमलनाथ की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। ये बातें मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। हम 5-5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार पाए हम, और उस समय कांग्रेस की सरकार। अब कमलनाथ जी झूठ बोल रहे हैं या उस समय के मनमोहन जी ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार को जो पुरस्कार दिए, कौन दोनों सच हैं वो ही तय कर लें, हम उसको मान लेते हैं। तो वाटर बॉडी का निर्माण और उन वाटर बॉडियों से पेयजल संधारण, सतही नल जल पेयजल योजना प्रारंभ करके गाँव में पेयजल पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, कभी नहीं हुआ। ऑडिट से कोई डर नहीं है? अरे इनके तो किसी चीज से कोई डर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की खा रहे हैं। ये सरकार भी झूठ की बुनियाद पर बनी है। उन्होंने 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का कहा, आज तक एक किसान का भी 2 लाख माफ नहीं हुआ। 10-5 हजार माफ करके अपने सिर पे सहरा बांध रहे हैं। कितनी स्थिर है ये सरकार? ये तो इनके MLA इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। मायावती जी ने चिट्ठी लिखी कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। अखिलेश जी ने कहा कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। इनके विधायक रोज ही इस्तीफे की धमकी देंगे तो हम क्या करेंगे? अब मुख्यमंत्री खुद ही लिख रहा है कि अपने अपने गुट के दो दो मंत्री कम कर लो। कितनी स्थिर है इससे आप अंदाज लगा लो ना, हमसे ही कहलवाना क्यों चाह रहे हो? कमलनाथ सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 6 माह पूरे होने पर प्रदेश के मंत्री, विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी जनता के बीच सरकार के कामकाज का ब्यौरा दे रहे हैं। इसी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने सरकार को घेरा। भाजपा नेता एवं विधायक नरोत्तम मिश्रा ने ये भी कहा कि सरकार ने विज्ञापन देकर कहा कि किसानों की कर्ज माफी का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। साथ ही सरकार ने खुद माना कि सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया। 10 दिनों में प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने सरकार किसानों को ठेंगा दिखाती रही और सौतेला व्यवहार करते हुए किसानों की कई योजनाएं बंद की। किसी भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया और किसी भी किसान या नौजवान के खाते में 1 रुपये भी नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, HMTV लाइव।